हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फोटोशॉप में आपको बताने जा रहा हूँ रियल में जाके क्विक एक्सपोर्ट SPNG के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक इमेज शो करी। जैसे मैं कोई इमेज लेता हूँ, जैसे इस तरीके से कोई मैंने इमेज ली। इमेज लेने के बाद मैं करता हूँ यहाँ कंट्रोल जी, कंट्रोल जी किया, डुप्लीकेट आ गया आपका। मैंने किया कंट्रोल टी, आप यहाँ इसका साइज छोटा कर रहे हैं इस तरीके से, ओके करता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑल दबा के मैंने इस तरीके से एक कॉपी और ली, तो ये दो कॉपी होगी आपकी। अब जो पीछे की बैकग्राउंड है, मैं इसमें क्या करता हूँ, कंट्रोल एम करता हूँ और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ इस तरीके से, जो ये मेरी जो कॉपी है ये दिखाई दे इस तरीके से। तो ये दो कॉपी है मेरी यहाँ इस तरीके से, एक बैकग्राउंड है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक्सपोर्ट में जाके, जब आप यहाँ करते हैं कि जैसे एक्सपोर्ट में गए और ये क्योंकि एक्सपोर्ट PNG एक्सपोर्ट एस, तो ये चीज़ आपकी लेयर में जाके यहाँ पर भी शो कर रहा है और यहाँ पर भी शो कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये जो PNG है, PNG बनाने के लिए, सेव करने के लिए एक्सपोर्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मुझे बाहर PNG मेरे को कौन सी सेटिंग करनी है, मैंने कहा JPG, तो वहाँ JPG शो करेगा। तो जैसे फाइल में गया, एक्सपोर्ट में गया, तो यहाँ JPG शो कर रहा है आपका इस तरीके से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया एक्सपोर्ट एस, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरी एक बैकग्राउंड है, दो लेयर्स है मेरी ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको किया यहाँ जाके कि मुझे ये JPG में सेव करना है, ये यहाँ सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे गया और मैंने किसी नाम से सेव कर दिया इसको इस तरीके से। तो मैं आपको डेस्कटॉप दिखाने जा रहा हूँ कि हम यहाँ क्या चीज़ सेव हुई। तो जैसे हम यहाँ जाते हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक बैकग्राउंड और जो जो दो लेयर्स थी ये सेव कर रहा है आपका। और अब हम जाते हैं इसके अंदर, ये लेयर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेव किया इसको, आप डेस्कटॉप पे गए तो ये क्या कह रहा है, लेयर वन कॉपी, तो जो उनसी लेयर सिलेक्ट कर रखी है ओनली उसी को ही सेव करेगा। अब यहाँ जाते हैं, ऑल फाइल है ये और कोई मतलब फॉर्मेट है नहीं है इसमें, तो लेयर वन कॉपी पे जाके मैंने सेव किया इसको, तो ये क्या करता है, ये डेस्कटॉप पे मेरे को ओनली जो उनसी लेयर सिलेक्ट थी उसी को सेव करके दिखाएगा इस तरीके से। फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से पूरी की पूरी फाइल को ये सेव करेगा, जितनी भी लेयर्स हैं उसको सेव करेगा, और यहाँ जाके आप एक ही लेयर को सेव कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे JPG PNG किस में सेव करना है, और अगर आपने पहले से वो सिलेक्ट कर रखा है कि मैं हर बार उसको JPG में सेव करूँगा, तो यहाँ JPG में आप सेव कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आप फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन से फॉर्मेट में चेंज करना है। जैसे मैंने किया PNG, ओके करता हूँ, लेयर में गया तो यहाँ PNG शो करेगा आपका। तो ये था हमारा एक एक लेयर को सेव करने के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे लेयर से आपकी, अगर आप इसमें कोई भी नाम देना चाहते हैं तो अपने लेयर का कोई भी नाम शो कर सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ इंडेक्स, तो यहाँ इंडेक्स शो हो गया आपका इस तरीके से। तो अपनी लेयर का नाम देने के लिए आप लेयर में जाके अपनी लेयर का नाम शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में मैं आपको आज ये वाले टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जो बाकी के टूल्स हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में शो होंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑपसिटी और फिल में क्या अंतर होता है। अब जैसे हम क्या करते हैं, इन दोनों जो लेयर्स हैं इनको डिलीट करता हूँ मैं। आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, अब एक न्यू लेयर लेता हूँ और मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, तो जैसे मैंने यहाँ कोई ग्रीन कलर शो किया और होल्ड बैक कर दिया, कंट्रोल डी करता हूँ इसको। अब जैसे हम क्या करते हैं, मैंने किया कंट्रोल जे, एक कॉपी और लेता हूँ मैं इसकी, मैं ऑपसिटी में जाता हूँ, मैंने किया यहाँ 50%, तो ओके करता हूँ, तो ये 50% लिया। फिर लेयर वन है, इसको मैं फिल में जाके करता हूँ 50%, ओके। अब जैसे मैं फिल का दिखा रहा हूँ आपको पहले कि फिल में 50% है, ये इस तरीके से स्क्रीन शो कर रहा है, दिखा रहा है आपका। अगर हम इसकी आई को हाइड करता हूँ और लेयर वन की कॉपी को सिलेक्ट, आई को शो करता हूँ, तो ये ऑपसिटी 50% दिखा रहा है, तो इसमें भी सेम वही अंतर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो इसमें सेम है आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें कम दिखाई दे रहा है, बस तो सेम इफेक्ट शो कर रहा है। तो फिर इसमें अंतर क्या है कि ऑपसिटी और फिल में, तो इसका अंतर है हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने इसको किया डिलीट, आपने एक न्यू लेयर ली, आप यहाँ क्या करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, आपने फुल स्क्रीन पे कोई कलर फिल किया, कलर फिल करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूँ इस तरीके से, आपने एक न्यू लेयर ली, आप इसमें कोई भी कलर फिल कर रहे हैं, कंट्रोल डी। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैं इसमें करता हूँ ऑफसिटी, इसको पूरा जीरो, तो इस तरीके से जीरो ऑफसिटी शो हो रही है आपकी।
तो लेयर स्टाइल आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, लेयर स्टाइल आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। तो जो सी लेयर सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट किया आपने, तो ये शो हो जाएगा ऑप्शंस। एफएक्स में जाता हूँ मैं, यहाँ ऊपर जाता हूँ, ये ऑप्शंस है। तो इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है जैसे मैंने ऑपसिटी को कर रखा है 0, तो ये हमारा यहाँ शो कर रहा है कि हमने ऑपसिटी क्या ले रखी है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं यहाँ गया, ऑपसिटी मैंने 0 ले रखी है, जो चीज बाहर से 0 है वो चीज अंदर से शो कर रहा है 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ यहाँ जाके ड्रॉप शैडो, मैं कोई ड्रॉप शैडो देता हूँ। मैंने इसका जो ड्रॉप शैडो का कलर है वो ब्लैक शो किया। अब ऑपसिटी ना होने की वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ड्रॉप शैडो हल्की सी मैंने इस तरीके से ली यहाँ, अब मैं स्टॉक पे जाता हूँ, मैं स्टॉक भी देता हूँ, तो स्टॉक में कोई भी कलर फिल करता हूँ। जैसे मैंने कोई रेड कलर शो किया, आपने यहाँ स्टॉक दिया तो स्टॉक भी शो नहीं कर रहा क्योंकि ऑपसिटी कम है। हम फिर इसमें दोबारा जाते हैं, यहाँ मैं ऑपसिटी को करता हूँ 100%, तो ये आपका डिजाइन आपका दिखा रहा है कि स्टॉक भी आ रहा है, फिल भी आ रहा है, ड्रॉप शैडो भी आ रही है। अगर आप यहाँ इसमें करते हैं डीप, या ये जो भी स्टाइल है ये शो करते हैं, इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो जब भी कुछ इसमें इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो अगर हम करते हैं यहाँ जाके फिल को 0, और आपने यहाँ स्टाइल दिया डीप या ये इफेक्ट शो किया, नन करेंगे तो व्हाइट कलर आएगा आपका इस तरीके से, जो भी कलर है आपका। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है आपका। तो ये स्टाइल है, तो ये डीप के अंदर ही चलेगा आपका, और फिल कि आप इन दोनों में से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। अगर नन करना है तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ शो दिखाई देगा, इसने ओनली ये वाला बैकग्राउंड शो कर दिया इसका। अब हम जैसे डीप पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, तो ये यहाँ मास्किंग कर रहा है इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, ओके करते हैं, ओल्ड दबाता हूँ। अब ओल्ड दबा के मैंने एक कॉपी ली, तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप जहाँ पर भी रखेंगे तो पीछे की जो बैकग्राउंड है ये सीट ये शो कर रहा है, दिखा रहा है आपका। अगर हम इसको करते हैं डबल क्लिक और लेयर बनाते हैं तो ये सीट शो कर देगा इस तरीके से। तो पीछे कोई भी बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए आपकी। आप करते हैं कंट्रोल टी, मैंने यहाँ किया कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, इसको रोटेट करता हूँ तो अपनी जो शेप है उसको किसी स्टाइल में आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्सिटी और फिल का ये अंतर है, फिल आपका जो स्टाइल है उसमें यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, अगर उनको ऑप्सिटी और फिल को 50-50 करेंगे तो उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपका। तो फिल में हम ज़्यादातर स्टाइल देते हैं, तो स्टाइल के लिए फिल यूज़ किया जाता है आपका। तो ये आज लेयर स्टाइल में था। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।